तो आज बच्चों हमें क्या ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? फोर्सेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 में भी है। चैप्टर नंबर 5 इस बार क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो लेकिन टॉपिक ये पता है, ये सिर्फ 11वीं में काम नहीं आएगा, ये 12वीं के भी 4-5 चैप्टर में काम आएगा और 11वीं में भी 4-5 चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। तो याद याद देना टॉपिक कौन सा है भाई, फोर्सेस, ठीक है। काफी मजा आएगा आपको इस टॉपिक में, याद याद दे। जैसे मान करके चलो भाई, फोर्सेस जो होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक फोर्स आपका होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक कौन सा होता है मॉडरेट फोर्स, एक कौन सा होता है वीक फोर्स, ठीक है भाई। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, और एक और होता है एक्सट्रीमली वीक फोर्स। Extremely weak force, ठीक है। Strong force, moderate, weak और extremely weak। अब याद है ना भाई force क्या होता है? Force सबसे पहले तुम्हारे को क्या करूँगा? सबसे पहले इस board पे ना हो, सामने ध्यान देना। सबसे पहले इस board पे तुम्हारे को strong और moderate समझाऊँगा। एक बार ये आप समझ गए तो फिर उसे मिटा दूंगा, वीक और एक्सट्रीमली वीक उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो इस टॉपिक को ना अपने पेज पर हॉरिजॉन्टली लिख सकते हो, बजाय कैसे वर्टिकली लिखने के, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लिख लेना और यहाँ पर ध्यान देना भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स। देख भाई मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो ये दो लोग हैं, एक ये है एक ये है, बढ़िया फ्रेंड्स है, लड़का लड़की, ठीक है। अब तुम बताओ इनकी फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी, कुछ कह नहीं सकते। अगर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तो कहेंगे यार साथ ही रह लेते वरना मर जाएंगे, ठीक है। और अगर एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, जस्ट फ्रेंड थे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर शादी वादी नहीं करेंगे, इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ गए बात। तो इस बात को आप समझो कि शादी से पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन शादी के बाद दोनों एक वन यूनिट हो गए। अरे पहले तेरी फैमिली मेरी फैमिली, अब क्या हो गई हमारी फैमिली, समझ गए। तो आप लोग इस बात को समझो, जब दो एटम या दो आयन जब इनके फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो ये पास आ करके एक यूनिट बन जाते हैं। दो एटम या दो आयन जब पास आते हैं तो क्या बन जाते हैं? एक यूनिट। अब इनको दो एटम नहीं एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अरे बोलो भाई, दो अलग अलग लोग नहीं एक फैमिली, समझे। तो जब भी कभी किसी दो एंटिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो बनता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपका बनता है मॉलिक्यूल, और स्ट्रॉन्ग फोर्स में आपके दो अलग अलग तरह के कंपाउंड आने वाले हैं। एक होता है कौन सा? आयोनिक कंपाउंड, और एक कौन सा होता है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मान करके चलना, यहाँ पे आप एक बात तो सीख ही चुके हो ना NaCl के बारे में, कि Na ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो Cl को डोनेट किया, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और Cl पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। आया ना, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के बिना नहीं रह सकता, और नेगेटिव पॉजिटिव के बिना। साथ आकर के भाई साहब दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश है, ओहो मजा सा आ गया भाई साहब। अब कोई इनको अलग करने की कोशिश करेगा, अलग होंगे नहीं, तो हीट करके देख ले जो ये मेल्ट हो जाए, बोलो। और जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो अब ये स्टेबल कंपाउंड है, वरना सोडियम पहले कितना अनस्टेबल था कि हम उसको कैरोसिन ऑयल में रखा करते थे, रखते थे नहीं रखते थे, ताकि उसमें आग ना लग जाए। और ये चीज आप याद रखो कि इनके बीच में ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट आपका आता है भाई साहब क्या? कोवेलेंट कंपाउंड। इस वाले में कोई दिक्कत? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग भी ठीक है, एक अच्छा मामला है, दो लोगों ने शेयर किया, बॉन्डिंग हुई, पहले हम अलग अलग यूनिट थे, अब हम क्या है, अब हम एक यूनिट है, तो
तो कुल मिला के आपको सिंपल ये बात पता लगी कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स है दे लीड्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? इसे फटाक से लिख लो जल्दी से. चलो भाई यहाँ ध्यान देना. अभी मैं आपको क्या करूंगा, मॉडरेट फोर्स है ना, इतने से में नहीं समझाया जाएगा कि इतने से मैं आपको मॉडरेट फोर्स समझा दूं, तो मैं थोड़ा आगे तक क्लासिफिकेशन करूंगा. वीक फोर्स और एक्सट्रीमली वीक फोर्स बाद में समझाऊंगा. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको क्या समझाता हूँ, मॉडरेट फोर्स. अच्छा तुमने वो देखा है क्या बोलते हैं पिक्चर, जो पिक्चर में भाई साहब लड़का लड़की को विलन अलग करने की कोशिश करता है, मारता है पीटता है, अलग होते हैं. नहीं हम एक दूसरे के लिए बने हैं, प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता. समझ रहे हो? नहीं तोड़ सकता भाई, नहीं तोड़ सकता. वो विलन को पता ही नहीं होती बात, और पीछे से तीसरा विलन आता है, वो तेज होता है. क्यों इनको गुस्से से मार पीट के तोड़ रहा है? प्यार से तोड़ते हैं. तोड़ने वो भी आया है, प्यार से तोड़ने आया है. प्यार से कैसे तोड़ते हैं अभी बताता हूँ. यहाँ ध्यान देना, मॉडरेट फोर्स में आपके दो अलग अलग टाइप के फोर्स आते हैं. एक यहाँ लिख लूंगा और एक यही लिख देता हूँ. तो इतना बीच में गैप कर दिया मैंने, है ना, और ये बात मैं समझाऊंगा यार. तो यहाँ पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं आयन डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, और एक आपका आता है कौन सा, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन. ठीक है भाई, तुम में से कितने बच्चे जानते हैं कि HCl पर एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव, तो बात जानते हो? ठीक है, तो क्योंकि HCl में दो पोल्स आए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से इस HCl को क्या बोलते हैं, डायपोल. अबे जिसमें दो पोल है वो डायपोल, लड़का भी लड़की भी. अच्छा हमारे यहाँ से कुछ और बोलते हैं. और ये तो फिलहाल डायपोल है. ठीक है भाई, वाटर भी एक डायपोल है. कैसे? वाटर की शेप ऐसी होती है HOH, तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O या H? O, है ना, तो O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, O पर नेगेटिव चार्ज है, और H पर कौन सा चार्ज है? तुम कहोगे यार यहाँ तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है. अबे अकेला वो जितना नेगेटिव है ना उतना ही है, दो मिला के पॉजिटिव है. तो इसको भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये भी तो एक डायपोल हुआ. अरे बोलो भाई, जैसा ये एक डायपोल है, ये तो चलो तुम्हारे को एक लाइन में माइनस प्लस दिख रहा है, ये तो आपको ऐसा दिख रहा है ना ऐसा ऐसा, वो एक्चुअल में सिंगल डायपोल ही है. क्योंकि जितने ये दो पॉजिटिव है उतना अकेला वो नेगेटिव है. समझ गया है? दो पॉजिटिव को संभाल रहा है. कई लोग होते हैं ना अकेले अकेले दो तीन को संभाल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये वैसे वाला ही मामला है. तो कुल मिला के आयन डायपोल इंटरेक्शन बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना. 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, क्या NaCl को अगर वाटर में डालते हैं तो वो बन जाता है Na प्लस एक्वस, और क्या बन जाता है, Cl माइनस एक्वस. ये बात जानते नहीं जानते? Na प्लस एक्वस और Cl, क्यों नहीं पता कि Na प्लस एक्वस कौन, एक्वस कौन है नहीं पता ना, तो तुम्हारे को बताता हूँ. NaCl को हमने हीट करके अलग अलग करने की कोशिश करी, तो NaCl को आप हीट कर लोगे अपने घर में, NaCl को जलते तवे पे छोड़ देना, वो पिघल जाएगा. तो भी हीट तुमने मेल्ट किया है वो क्या होता है, NaCl मेल्ट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, खाक हो जाएगा जल के, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा. मेल्टिंग पॉइंट हाई है, पता है क्यों? मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे. चलो वहां जाते हैं, वहां जाकर के अपन साथ रहेंगे. ये कौन सी बॉन्डिंग है, आ जा तोड़वाता हूँ तेरे को. ठंडे ठंडे पानी में डाला, आयन आयन अलग हो गए. व्हाट इज दिस, तुमने तो साथ जीने मरने का वादा किया था, क्या हुआ? अभी बता, अभी बता. मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ना. ठीक है, मान लो एक लड़का है, वो कह रहा नहीं मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जिंदगी है, लाइफ है, मैं मर जाऊंगा. कोई तीसरा आया, भाई क्या है, एक के पीछे पड़ा, आजा पंप में चलते, लड़कियां ही लड़कियां होंगी. बंदा आराम में हुआ तो चला भी जाएगा भाई साहब, मेरा छोड़ा, कोई चला जाएगा, बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं यार, तुम ऐसी बातें कर रहे हो. सत्यम दे रहा हूँ, सत्यम के साथ चला जाऊंगा. बोले अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर बात सुनो. मैंने सिंपल ये कहा NaCl में Na प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए. वाटर के पास ना दोनों चार्ज है, बड़ा बदमाश आदमी, नेगेटिव पॉजिटिव,
तुम्हें पता है इस दुनिया में वाटर लाइक लोग ही लोग हैं, NaCl डाला बहुत सारे वाटर है, ठीक है, ये वाटर का नेगेटिव पार्ट जाएगा Na+ पे, कहेगा भाई क्या HCl नेगेटिव पे मरा हुआ है, आ जा ये नेगेटिव ही नेगेटिव देंगे, ये रे ले नेगेटिव ने सराउंड किया, ले भाई साहब ले, ले भाई साहब ये वाटर के कौन से पार्ट ने सराउंड किया, नेगेटिव पार्ट, Na+ को मजा आ रहा है ये अलग हो गए यार क्या बात, नेगेटिव नेगेटिव कोई परमानेंट इंटरेक्शन थोड़े है, परमानेंट तो पहले था जब तू एक के साथ था, था। तो तू पब में जाएगा तेरे कोई परमानेंट इंसान मिलेगा, टेम्पररी है खुश है लेकिन टेम्पररी में भी समझ लो नहीं समझे रिलेट करना थोड़ा सा मैं बिगाड़ नहीं का तुम्हें तो Na+ एक्वस का क्या मतलब होता है कि Na+ को एक्वस वाटर के लिए बोला जाता है, तो वाटर ने सराउंड कर दिया, अब Na+ Cl- को छोड़ के क्या तो Cl- कौन सा टूट कर दूला था, मैं भी जा रही हूँ, हाँ भाई हमें करोगे का सराउंड, आओ जी आपके लिए भी पैकेज है हमारे पास, वाह 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 भाई वाह, वाटर वाटर सबको पकड़ लेता है, पॉजिटिव है, हाँ तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव पार्ट ने सराउंड किया ना जी, अरे बोल दे बोलो, तो अब क्या मैं कह सकता हूँ वाटर एक डायपोल है, क्या वाटर डायपोल है यार, दो पोल्स है ना, क्या मैं कह सकता हूँ बीच वाला आयन है, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, अच्छा याद रखना भाई साहब, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा था, ये वाला या फिर इनका, चेक करना ये मॉडरेट फोर्स है और ये स्ट्रॉन्ग को मॉडरेट ने तोड़ दिया, कैसे कैसे तोड़ दिया है, चार्ज का चक्कर बाबू भैया, चार्ज का चक्कर बाबू भैया, बहुत सारे नेगेटिव आए थे तो टेम्पररी वाले भी स्ट्रॉन्ग को तोड़ सकते, समझे बात या नहीं समझे, पक्का अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या दीवार को चक्कू काट सकता है या रस्सी, पूरी जिंदगी घिसते रहो ना तो रस्सी भी काट देगी, कर देगी भाई, तो वही है टेम्पररी वाले ने स्ट्रॉन्ग फोर्स तोड़ दिया, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, आप पता समझ आया कि नहीं आया, और इसमें ज्यादा गर्मी नहीं दिखाई, मैं तो हूँ इनको प्यार से ठंडे ठंडे में आओ, NaCl को में डाला, हाँ अब वाटर नहीं आता तो थोड़े जा रहा था, तो लॉयल्टी बरकरार थी भाई साहब, हीट में भी नहीं टूट रही थी, पूरा विश्वास नहीं छोड़ के जाएंगे, अच्छा जी ये क्या हुआ, समझे, ये कोई लोचा इसमें, अगला समझा रहा हूँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये समझना, ये लिखना है जल्दी लिखो इसे, हाँ भाई यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि H2O, HOH लिखा है ना, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके साइन बनाया है, ये साइन क्या है, इसका मतलब होता है स्लाइटली, अब है जैसे Na+ पे कंप्लीट प्लस वन चार्ज है और इस पे कंप्लीट माइनस वन है ना, यहाँ पे O पे कंप्लीट माइनस वन नहीं होता, हो सकता है माइनस 0.9 हो, माइनस 0.5 हो, अरे कंप्लीट वन माइनस तो नहीं है ना, तो उसके लिए ये जो साइन है साइन को बोलते हैं स्लाइटली, अरे स्लाइटली का क्या मतलब है, जरा सा, लेकिन है तो ना, इस slightly word को हम एक और word use करते हैं क्या, partially, क्या word use करेंगे, partially, फटाक से लिखे से जल्दी, ये slightly negative, slightly positive, या फिर partial negative, partial positive, फटाक से लिखो इसे, हाँ भाई याद है मेरा, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, अब तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे और यूं ही समझ में आ रहा होगा इसमें moderate force वाली क्या बात है, है ना, moderate force समझो क्या है, एक Na+ है उसके पास ना वाटर के बहुत सारे नेगेटिव पार्ट आकर के चिपक गए, अरे बोलो हाँ, अबे ये वाटर था ना पूरा HOH वाटर है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट आके Na+ पे चिपका या नेगेटिव पार्ट आकर के, नेगेटिव ना, तो वाटर के नेगेटिव पार्ट और Na+ के बीच में जो अट्रैक्शन हुई इसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट फोर्स, और इस इंटरेक्शन को स्पेशली बोला जाए तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, अरे यार सिंपल सी बात है, अगर मान करके चल आप यहाँ पे कोई बढ़िया सा हीरो आ जाए सलमान खान आ जाए तो सारे लोग आ रहे पास, अरे बोलो आ कैसे घेर नहीं लेंगे, कौन सा उसका बहुत पर्सनली जानते हैं, तू मेरा जिगरी यार है एकदम, पर्सनल थोड़े जानते हैं लेकिन एक फिर भी एक अट्रैक्टिवनेस उसमें है ना, जाएंगे पास में, समझ रहे हो, ऐसा थोड़े कि उसमें सलमान खान ने कुछ बोल दिया पूरा मान के बैठेंगे, तो वही है
वाटर मॉलिक्यूल का Na+ से सिर्फ एक ही लेना देना है कि हम नेगेटिव पार्ट अपना लेके तेरे पास आ रहे हैं, थोड़े से बस ऐसे ही इंटरेक्शन कर लेंगे, समझ गया बात। अब इस चीज को हटा रहा हूँ, अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन समझाता हूँ, यहाँ तक कोई नोचा? ये भाई याद याद लेना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है। जैसे मान करके चलो यहाँ पर एक एक्सीएल मॉलिक्यूल है, देख भाई ये एच और ये सी एल और यहाँ पर एच और ये सी एल, तो सी एल पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और एच पे आएगा स्लाइटली, दिख रहा है देखो, और स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, बॉन्ड इनके इनसे बने हैं, तू मेरा मैं तेरी, तो समझ गए। अरे भाई ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना के बैठे हैं ये दोनों, ठीक है। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, बस हाँ या ना में आंसर देना। हाँ, करेंगे करेंगे। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव एक नेचुरल टेंडेंसी है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, बॉन्ड यही बनाना है, यहाँ पे एक नॉर्मल अट्रैक्शन है, वो देखा है वो सीरियल बाबू जी पर है, अपनी वाली तो अपनी वाली दूसरी वाली भी बाबू जी की, होना करना कुछ नहीं है तुम्हें भी पता है, तो यहाँ ध्यान देना ये क्या है, एक नॉर्मल अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से क्या कर रहा है, नॉर्मल अट्रैक्ट कर रहा है, समझना भाई समझना इस बात को, थोड़ा सा समझना, नॉर्मल अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि आप भी डायपोल है हम भी डायपोल है, तो हम दोनों की इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। अच्छा यहाँ पर एक डायपोल था एक आयन था, तो क्या बोला, आयन डायपोल इंट्रैक्शन, बोल लो। अब एक चीज और ध्यान देना भाई, तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा अगर तुमने आंसर कर दिया भाई साहब मजा आ जाएगा, क्या नाम है, ये एक एच है और ये एक एफ है, ये एक एच है और ये एक एफ है, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कैसे पता लगेगा, क्या बात, नाइस बहुत सही आंसर दिया इसने। देख यहाँ पर मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, तुमने सबने 17th ग्रुप पढ़ा है, 17th ग्रुप, 17th ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है कि नहीं होता, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, फिर कल बाहर आई आंटी, नीचे नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये बात पता है नहीं पता, तो मेटालिक कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी नीचे जाते जाते घटेगी, ठीक है, तो एफ ऊपर है सीएल नीचे है, मतलब एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात पता है, एफ ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसमें वो होता है ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मुझे मिली और अंबानी को मिली कौन ज्यादा खुश होगा, फूला नहीं समाऊंगा, हो सकता ट्यूशन पढ़ाना ही छोड़ दूं बुगाटी बेच करके, एक आध करोड़ की गाड़ी ले, बुगाटी तो महंगा मामला है ना, एक आध करोड़ की गाड़ी मेरे लिए बहुत है, बुगाटी में मेरा घर नौकर चाकर सब आ जाएंगे, हाँ भाई तो मेरे को बुगाटी मिली मैं इतना खुश हो जाऊंगा, मैंने बुगाटी बेची सस्ती गाड़ी ले ली भाई साहब घर वर सब बढ़ गया मेरा बढ़िया, समझ गए, और अंबानी को बुगाटी मिली है मेरे पे 2-3 बुगाटी, वो खुश नहीं है, लेकिन औकात किसके बुगाटी लेने की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेना तो फ्लोरीन ही चाहता है, मेरी बात सुनियो, इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहता है, फ्लोरीन, लेकिन लेने की औकात किसकी है, हाँ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, कौन ज्यादा चाहता है, ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लेना फ्लोरीन ही चाहता है, लेकिन ले कौन पाता है, तू वो बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दोनों एनर्जी रिलीज करेंगे, फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी, क्लोरीन ज्यादा करेगा क्योंकि साइज बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अरे मैंने अगर बुगाटी खरीद ली मैं सोचता भी नहीं, क्यों नहीं सोचता, बुगाटी क्या सोच के ही रह जाता हूँ, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, तो सिंपल सी बात है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन कम, तो एच और सी एल से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सी एल इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा होगा या फ्लोरीन, सी एल फ्लोरीन फ्लोरीन चाहता तो ये है ना खींचना, अरे बोलो याद है ना भाई, चाहता क्लोरीन कम है इलेक्ट्रॉन खींचना और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, मानते हो नहीं मानते, हाँ जी, अरे बोलो
ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहता है? फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं चाहता, तो क्लोरीन पे कम नेगेटिव चार्ज आया और फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव। ये ज्यादा पॉजिटिव और ये ज्यादा नेगेटिव। अरे तो मैं छोटा सा एक क्वेश्चन का आंसर दे देना, इस डायपोल और इस डायपोल की अट्रैक्शन ज्यादा होगी या इस डायपोल और इस डायपोल की? एक छोटा सा क्वेश्चन, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव की ज्यादा अट्रैक्टिव चार्ज होंगे या फिर इसका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा? क्यों? फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन। क्लोरीन का बोल रहे हो, रीजन कोई दोगे? Cl इलेक्ट्रॉन कम खींचता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा और इस पे पॉजिटिव ज्यादा। सेम केस इसके साथ, पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव ज्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं है नेगेटिव भी ज्यादा नहीं है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा नहीं है तो अट्रैक्शन कहाँ है बात की? अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा नहीं हो जाएगी? अरे बोल लो भाई, बोल लो। और इनकी अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाती है कि ये फाइनली बॉन्ड बना बैठते हैं। ये बात सुनो भाई, सुन मेरी बात, ये गलत है ना, तुम्हें बॉन्ड इनके साथ बनाना है। आपस में इंटरेक्शन तक ठीक है, बोलो कौन सा इलीगल है, नॉर्मल इंटरेक्शन करना है या बॉन्ड बनाना? तुम तो रियल लाइफ में चलेगा, ये इलीगल नहीं है लेकिन ऐसा होता है। ये बात समझ? अरे बोलो भाई, मेरी बात तसल्ली से सुनो। यहाँ पे नेगेटिव कम था, पॉजिटिव कम था। अरे मैं कहता हूँ वैसे ही कुछ मान ले, ये एच और एच, ये एच और एच, यहाँ पे कोई चार्ज भी होगा क्या? नहीं। तो क्या घंटे की इंटरेक्शन होगी इनमें? नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, हल्की सी इंटरेक्शन, ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव, इतनी बढ़ गई इंटरेक्शन, डैमेज बॉन्ड। समझे? तो जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हद से आगे बढ़ जाए तो क्या बना लेता है? बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल। अरे बोलो हाँ जी। और इस स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल को मैं बोलता हूँ एच बॉन्डिंग। क्या बोलता हूँ? एच बॉन्डिंग। ये एच बॉन्डिंग का क्या मतलब है, कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, ये बात अभी मैं समझाने वाला हूँ। अरे बोलो, ये बात अभी समझाने वाला हूँ, फिलहाल इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिया? लिखो। हाँ यार ध्यान देना, अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि जब अट्रैक्शन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अट्रैक्शन नहीं रहती, क्या बन जाती है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है भाई, बढ़िया करके समझो इस चीज़ को। अब तुम्हारे को एक दिक्कत आएगी, यार मुझे कैसे पता लगेगा कब डायपोल डायपोल है और कब नहीं, कब एच बॉन्डिंग है? बड़ा यार यूं तो दिक्कत वाली बात है, मैं कैसे पता लगा लूंगा, मैं थोड़ा जा रहा हूँ उनसे पूछने। हाँ भाई बॉन्डिंग कर रहे हो क्या? नहीं 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 जी नहीं, ऐसे कोई बताता है? ऐसे कोई बताएगा? कर भी रहा होगा बॉन्डिंग को, याद आ मेरा भाई। तुम्हारे को भाई साहब सटीक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ पता लगाने के लिए क्या, कि कब डायपोल डायपोल है और कब एच बॉन्डिंग है। देखो देखो, कोई भी दुनिया में मॉलिक्यूल मिल जाए जिसके इंटरनल बॉन्डिंग, अरे मॉलिक्यूल अपन यार, इंसान अपने आप में खराब होगा तभी तो ये काम करेगा, अगर बढ़िया हुआ इज्जतदार हुआ तो थोड़े करेगा। यही बात समझ? अरे बोल लो कौन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर एच के साथ फ्यूचर में कभी एफ जुड़ा हुआ मिल गया मॉलिक्यूल के अंदर, या मॉलिक्यूल के अंदर एच के साथ ओ जुड़ा हुआ मिल गया, या एच के साथ कौन जुड़ा हुआ मिल गया, या तो एच के साथ एफ मिल जाए या ओ मिल जाए, या तो चेक कर इसमें इन तीनों में से कोई है बॉन्डिंग। अबे उल्लू, इसमें पूछ रहा हूँ, एच में नहीं है ना, क्या इसमें है इनमें से कोई? अगर तेरे को बॉन्डिंग इंटरनल इनमें से कोई मिल जाए तो उनके डायपोल डायपोल को क्या बोल देना? वरना क्या बोलना? डायपोल डायपोल। नहीं आई बात समझ? तुम कहोगे यार ये इनके केस में है, तूने ये तो बता दिया, क्यों है ये नहीं बताया? नहीं बताया ना, पहले तो पहचानना सीखो। हाइड्रोजन के साथ अगर गलती से इन तीन एलिमेंट्स में से कोई मिल गया क्या बोलेंगे इसे? फोन। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन के साथ अगर एफ ओ एन कोई मिल गया
उसकी डायपोल डायपोल को क्या बोलेंगे? वेरी नाइस एग्जाम्पल दू पहचानने के लिए, ये लेफ्ट वाला पार्ट पढ़ा दो अगर तुमने लिख लिया हो तो, क्योंकि इसमें तो कुछ खास है नहीं। चल तुम्हें दो कंपाउंड दे रहा हूँ, एक H2S और एक H2O, एक दे रहा हूँ कंपाउंड कौन सा बेटा H2S और एक कंपाउंड कौन सा दे रहा हूँ H2O। H2S का स्ट्रक्चर ऐसा होता है HSH, ठीक है भाई, और एक कंपाउंड कैसा होता है HS और H, इसमें S पे नेगेटिव है, H पे दोनों पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पर भी S कौन सा है नेगेटिव और H पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो चेक कर ये वाला जो H2S मॉलिक्यूल है H2S, इस पे भी डायपोल होगा नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आपने दो क्यों बनाए, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ना, तो ये H2S में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इस H2S में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच के इंटरेक्शन को डायपोल डायपोल बोलूंगा H बॉन्डिंग। कैसे पता लगेगा? इसकी इंटरनल बॉन्डिंग चेक करो, इंटरनल बॉन्डिंग इन तीनों में से है क्या? नहीं। तो ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हम डायपोल डायपोल ही बोलेंगे, क्लियर? हाँ ध्यान देना भाई, इसमें H और S में ये इंटरनल बॉन्डिंग जो इसकी है मॉलिक्यूल के, भाई अंतरात्मा भी तो बोलती है ना भाई, सिर्फ इंटरेक्शन से काम चला लूं मैं, बॉन्डिंग कर लूं, अंदर से ही तो आवाज आती होगी या नहीं आती होगी, ध्यान ध्यान देना, क्या ध्यान देना, चल रहा है ना? हाँ ध्यान ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये इंटरनल बॉन्डिंग अगर ऐसी होती है ना तो ये तो कहते भाई बना दे बॉन्डिंग, लेकिन अगर इनमें से नहीं होती ना तो कहते हैं नहीं भाई बॉन्डिंग नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल एक इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वाटर मॉलिक्यूल होता तो वाटर भी तो कुछ ऐसा ही होता, H O और H, ठीक है, ये कितना हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, नहीं ये तो पॉजिटिव हुआ ना, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आया माइनस प्लस, ये कौन सा चार्ज है डायपोल डायपोल वाला होगा, ये डायपोल डायपोल है ना, अबे यार इस पे भी दो पोल है, इस पे भी दो पोल है तो डायपोल तो हो ही गया, दिस इज डायपोल, दिस इज डायपोल, और दो डायपोल के बीच में इंटरेक्शन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव। अब चेक कर क्या इसके मॉलिक्यूल इसके बीच की जो इंटरेक्शन है क्या वो इस वजह से है जो कि कोई इनमें से पार्ट है, भाई यहाँ पे तो इनमें से कोई भी नहीं था बॉन्ड इस वाले में, लेकिन यहाँ पर तो इंटरनल क्या कर रहा है डायपोल डायपोल रहने दूं या एच बॉन्डिंग कर लूं, एच बॉन्डिंग कर ले, तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हुए इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे दो स्कूलों के बीच के कंपटीशन को क्या बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के कंपटीशन को क्या बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर कंपटीशन, नहीं इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो किसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे H2S के या H2O के, तो ये मॉलिक्यूल कंपैटिबली पास पास होंगे और ये वाले कंपैटिबली, और ये पास पास आते हुए इतने पास आ गए कि वाटर मॉलिक्यूल होता है लिक्विड और H2S क्या होती है गैस, अरे मॉलिक्यूल दूर दूर मतलब गैस, पास पास मतलब लिक्विड या और पास पास मतलब सॉलिड, यही बात समझ। तो अब बता इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हेल्प से ये सॉलिड और लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं नहीं रखते, बोलो। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में फोर्स है और इसके बीच में कौन सा फोर्स है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब मैं बोलूं एच बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल में क्या फर्क है तो क्या बोलोगे, यहाँ पर एच बॉन्डिंग है फोर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर फोर्स थोड़े वीक है, ये बात आपको समझ आएगी नहीं आएगी। अब आपके दो फोर्स रह गए वीक और एक्सट्रीमली वीक, ये हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ ठीक है डाउट है चलो। हाँ सर ये इन तीनों के अलावा कोई और बॉन्ड नहीं है, अब देख HF HO HN अगर किसी मॉलिक्यूल में इनके अलावा कोई मिलता है और उसकी वजह से डायपोल डायपोल बनता है तो उसे डायपोल डायपोल बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये मैंने जो बताया ना इनकी अंतरात्मा ही खराब है, इंटरैक्शन है आगे बढ़ूंगा बॉन्ड बना लूंगा बना लेना भाई, वो तो इनका है ना, हर मॉलिक्यूल थोड़ा करेगा दूसरे वाले से बॉन्ड बना ले, भैंस की पूछते अपना बॉन्ड नहीं बन रहा, समझे बात है नहीं समझी, तो वो सिर्फ इनके लिए, इसलिए मैंने बताया हाइड्रोजन के साथ F O या N अगर है तो ही डायपोल डायपोल छोड़ के वो H बॉन्डिंग करेंगे, अदरवाइज डायपोल डायपोल से कुछ है,
और सर ये ऊपर जो HCl वाले में है हाँ। इसमें क्या इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे चेक कर इसके इंटरनल बॉन्डिंग क्या इन तीनों में से है नहीं। इन तीनों में से नहीं है ना तो भाई तू अगर अगर तू डाइपोल है तो तुझे डाइपोल डाइपोल बोलेंगे सर नीचे बॉन्डिंग है और ऊपर इंटरेक्शन हां नीचे बॉन्ड बन गया इसे बोलेंगे H bonding इसे बोलेंगे H bonding और अगर कोई H के बिना वाला होगा तो उसे बोलेंगे dipole H के बिना वाला नहीं F O और N के बिना वाला अगर dipole dipole हुआ तो उसे dipole dipole बोलेंगे और strong कौन सी ज्यादा है dipole dipole या H bonding H bonding अब your doubt हाँ चलो ठीक है भाई बाकी करते हैं next class में